अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। अब रात के 11:30 हो गए और टाइम देख सकते हैं आप। और एक जगह मैं ससुराल आया हूँ और ये बादल को बाहर जाने लगे कि बाहर चलते हैं। हम यहाँ बोर होते रहते हैं और अब तुम लोग आए हो तो हम जाने बाहर होकर चला हो गया और वो काजल बैठा इधर आ ही रहते हैं। इधर आओ काजल, मुझ खा के बैठा बंद हो गया जाने का भी फायदा। अब देखे कौन से कैफे जाते हैं। A few moments later. था उसके बाद हम लोग निकले, घर से निकलते हैं मुल्तान रोड से होते हुए हम करीम ब्लॉक आए। पहले तो काजिम हमें बाइक पे छोड़ के आगे गैप हो गया। काजिम को ढूंढते रहे, काजिम को ढूंढते रहे, काजिम ने सुन किया। अब मेरे पास बैलेंस नहीं था, मैंने कहा तो बैलेंस तो है नहीं, बैलेंस कराता अब इतनी देर लगनी थी, इसलिए मैंने काजिम का वेट किया। काजिम साहब चुपके बैठा हो गए काजिम, तो काजिम का वेट किया। अब हम सीधे करीम ब्लॉक से होते हुए यहाँ पे आए चमन पे आइसक्रीम खाने। तो पेट बिल्कुल फुल था, खाना खाना खाया हुआ था इसलिए कोई खाने का प्लान नहीं था। अब देखें चमन की आइसक्रीम खा के देखते हैं कैसा टेस्ट, वो आपको दिखाएंगे। अभी वो फिलहाल आप ऑर्डर दे दिया, देखें बताते हैं आपको। काजू भी बनाओ, काजू जूते में ना औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। बहुत सारा तो मुझे चॉकलेट चिप ये अच्छा लगा। बाकी इन लोगों ने जल्दी जल्दी खा के वेलो के बैठ गए और अब इनका दोबारा खानी है किसी ने नहीं खानी, जब कोई मूड नहीं है। अच्छी बात है नहीं खा रहे तो पैसे बचे। बाकी करते हैं आखिरी ये अच्छा बने बड़े, उसका टेस्ट अच्छा है। तो बाकी अब टाइम हो गया काफ़ी, घर चलते हैं। टाइम क्या हो रहा है और हम हमारा कर रहे हैं बाहर, चलते हैं बस घर, वरना किसी जान पड़नी है। इतना टाइम तक बाहर रहे, छोटा बच्चा साथ है, मोहित सो रहा है आराम से, मोहित भर के आइसक्रीम शॉप से खाते लेकिन सो रहा है। नहीं उठाओ ना, सोने दे। चलो बाकी ब्लॉग में आप एंड करते हैं, आप घर जा रहे हैं, घर जाके बात हो जैसा कि आप सबको पता है कि मोहित के बगैर हमारा ब्लॉग कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि इससे ही हमारा ब्लॉग चलता है इतने पाले पाले बच्चे से, है ना। तो मैंने ब्लॉग वैसे एंड कर दिया था लेकिन मोहित को देख के हमने कहा मोहित को बुलाया वापस। जब दूध लेके इसके वापस आए हैं तो मोहित साहब उड़ गए। मोहित कहाँ आए हुए हो सलाम बोलो, सबको सलाम करो। पापा कर दिन करो। The next day. तो हम आए हैं जू मोहित को लेके और अब हम चलते हैं टिकट घर की तरफ, टिकट लेते हैं और देखते हैं कितने का टिकट हुआ हुआ बच्चों का, कितने का है। मोहित का तो मेरे ख्याल में लगेगा नहीं, तो बाकी हम लोगों का तो लगेगा, बाकी भी सारे आए हैं, काजन वगैरह सारे आए हैं। तो चलते हैं टिकट घर की तरफ। आज साढ़े छः का टाइम है और 5:45 बजे हमने ₹80 का हमें टिकट पड़ाए और हमने 6 टिकट लिए, ₹80 का टिकट है बड़ों का। और छोटा मन उन्होंने कुछ पूछा नहीं, वैसे मेरे ख्याल में छोटा मन होता भी नहीं यहाँ पे, पहले होता था, अब मेरे ख्याल में रिवाइज रेट लिखा हुआ है इसके कुछ। ये देखें ये लिखा है रिवाइज रेट। आज आगे चलते हैं, बाकी अंदर जाके आपको शेयर कराते हैं। ये ऐसी प्लेस है कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, उर्दू में भी लिखे, ये एक जू है। और इसके अलावा मैं क्या कहूँ। और ये आपको दिखाते हैं, ये ऊपर दिखाओ पाकिस्तानी सियासत और पाकिस्तानी आवाम जिन्होंने आँख कान नाक सब कुछ बंद किया। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे।
मुहिब को खड़ा करो यहाँ पे। मुहिब आओ देख रहा हूँ, मुहिब को समझ आ रही है? मुहिब को वैसे समझ नहीं आ रही, उन्हें क्या हो गया रही है। फिर हम आगे बढ़े इस सोच के साथ कि हमें आगे के नए जानवर देखने को मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, सारे पिंजरे खाली पड़े थे। लेकिन फिर भी हमने कोशिश जारी रखी मुसलसल के शायद कुछ देखने को मिल जाए, कोई एक पिंजरे में कुछ जानवर हों, लेकिन सारा कुछ खाली पड़ा था। चलो सारा अंधेरा तो हो गया, वैसे हमारा खत्म होने वाला टाइम यहाँ पे, लेकिन अब देखते हैं कितना टाइम हमें मिलता है यहाँ पे घूमने के लिए। वैसे थोड़ा टाइम मिलेगा क्योंकि सारा कुछ बंद हो गया, अंधेरा होने वाला है, अंधेरे में वैसे वीडियो नहीं आएगी तो व्लॉगिंग का फायदा नहीं होना। मुहिब का मुँह देखने को मिल रहा है, लग रहा पत्थर पड़े हुए इधर इधर कुछ। और मुहिब का दिखाते हैं कछुआ पहले, क्योंकि देखो कछुआ कितना पानी लग रहा है, देखो ऐसा लग रहा है पत्थर पड़े हुए, देखा कितने छोटे छोटे से हैं। बजाने हो गए यहाँ पे, अभी जल्दी से हमें निकाल देंगे, यहाँ पे 6:30 का टाइम है। उसने मुझे टिकट वाले ने कहा है कि 6:30 का टाइम है, उसके बाद उस पर लिखा है खुश्की पर रहने वाला कछुआ। हालांकि पानी में भी ये वाले नहीं रहते, पता नहीं क्यों लिखते लगाते हैं यहाँ पर। मुहिब यहाँ पर समझ रहा था कि अम्मा बाप पार्क में घुमाने लेके आए, लेकिन ये ज़ू था, इतना गायब ज़ू। और एट दिस पॉइंट हमें लग रहा था जैसे जानवर हमें कह रहे हैं कि ढूंढो हमें, हम कहाँ पे हैं। देख रहे हैं आप लोग, आपको पता लग ही रहा होगा पिंजरे बिल्कुल खाली पड़े हैं। अब आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है कि हमें एंड पे जाके एक छोटा सा तेंदुआ नजर आया जो बिल्कुल नुकड़ लगा हुआ था। ओ भाई हम तुझे ढूंढ रहे थे और तू आराम से सो रहा है इधर, देखो देखो कौन आया। ओ ये तो देख ही नहीं रहा, लगता है इसको नेस्कैफे पिलानी पड़ेगी। बच्चों देखो छोटा सा तेंदुआ नजर आ रहा है दूर से, यहाँ बड़ी बड़ी दूर बैठे हुए और मस्त हो रहे, इस टाइम सोने का टाइम हुआ है उनके। और मुहिब उनको देखने आया, दिखा दिखा इधर मुहिब, इधर देखो क्या वो डर गया यहाँ पे। मुहिब उनको देखने आया है लेकिन वो तो सो रही, अब मुहिब क्या करेगा। हाँ भाई मुहिब शेर की बात निकाला, शेर की बात निकालो, सलाम करो सबको। हैदर हैदर थोड़ा साफ भी नहीं करते, सारी स्मेल आ रही है यहाँ पे, ना ज़्यादा स्मेल हुई है। हालांकि इनकी बजट वगैरह कम नहीं होता, बजट वही है, लेकिन उन्होंने सारी तबाही फेरी है यहाँ पे, कोई अच्छा निज़ाम नहीं है। देखो सारा, देखो तालाब सारा गंदा हुआ है, इतना गंदा पानी है, कोई चेंज करने का निज़ाम नहीं है यहाँ पे, पता नहीं इन्होंने क्या हाल रखा हुआ है। अब कोई आता है कि यहाँ पे है चिड़ियाघर जिसपे थोड़ा बहुत लोग आते, लाहौर में रहते हुए अरसे बाद हम लोग चिड़ियाघर में आए, तो भी सिर्फ इसलिए है कि आप लोगों को दिखा सके चिड़ियाघर की सैर कराएं, लेकिन अब तक यहाँ पे कुछ भी नहीं है। चले आगे चलते, और यहाँ पे हो रही है रोशनी, थोड़ा सा रोशन हुआ है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कोई जानवर नजर नहीं आ रहा, पता नहीं क्या रखा हुआ इन्होंने, खाली पड़ा हुआ पिंजरा। देखो इधर मुहिब, देखो कुछ भी नहीं है, कहाँ गए सारे। आवाज लगाओ हैदर, आवाज लगाओ। मुहिब ना हर एक को हैदर ही कह के बुलाता है, मुहिब का तकिया कलाम बन चुका है हैदर। और यहाँ पे पिंजरा ये खाली है, कुछ भी नहीं है। मुहिब है ना, कुछ भी नहीं है ना, मजा नहीं आ रहा, बिल्कुल बोर है यहाँ पे, जरूर बिल्कुल बोर हो चुका है पिंजरा। वो पगले, ये हैं बगले और ये हैं स्वांस आ गए थे। और फिर हुआ अंधेरे का स्टार्ट, चिड़ियाघर से पहले हम लोग चिड़ियाघर खुल गया, इसलिए भंग डाल दिया, शोर हो रहा है ना, कब होगा कुछ समझ नहीं आ रही है। यहाँ पर मगरमच्छ लिखा है लेकिन मगरमच्छ नजर नहीं आ रहे, बस स्वान है और कुछ नहीं है, और क्या क्या है बस वो भी सारा कुछ। मुहिब टाटा कर दो सबको, व्लॉग हमारा ख़राब हो रहा है, बिल्कुल ख़राब हो रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है ना, मज़ा नहीं आ रहा मुहिब को भी, मुहिब बोर हो रहा है, मुहिब को फिर आते हैं आगे चलते हैं लेके। तो दोस्तों इसी के साथ व्लॉग यहीं पर ख़त्म हुआ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को आगे शेयर करें और दूसरों को भी दिखाएं, जू की सैर करें। और दोबारा इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट कौन सी जगह पर जाते हैं हम, आप लोग भी जाएं जू और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करें कि आप लोगों को कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।